गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हमारी 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम बात करते हैं इसकी 4th यूनिट के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कौन सी यूनिट है वो, संचालक यानी कि मैनेजर, जिसे हम ये भी बोलते हैं या डायरेक्टर भी बोल देते हैं इसे, डायरेक्टर्स। ठीक है, डायरेक्टर्स संचालक मंडल, यानी कि एक कंपनी में संचालक जो मैंने आपको बताए कितने होते हैं कितने नहीं वो भी बता दो, कि कम से कम एक निजी कंपनी में 2, सार्वजनिक में 3 और अधिकतम इनकी संख्या 15 ये होनी चाहिए। लेकिन इनके पास भी इनकी क्या स्थिति होगी, कैसे इनकी नियुक्ति होगी, कैसे इनकी पदभुक्ति होगी, यानी कि इनकी पोजीशन क्या है, अपॉइंटमेंट इन्हें कैसे मिलेगा, कैसे इन्हें रिमूव किया जाएगा, प्लस इनके क्या क्या राइट्स हैं, इनके अधिकार कर्तव्य दायित्व, ठीक है, उनके बारे में भी, और इन्हें मिलने वाला पारिश्रमिक कितना पारिश्रमिक मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, ठीक है, और एक संचालक व्यक्ति क्या करता है इस एक कंपनी में, उसके बारे में ये हमारी 4th यूनिट है। जैसे हमने इसके बारे में छोटी थोड़ी बहुत बात 1st यूनिट में निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के अंतर में बात कर ली थी हमने, कि संचालक क्या है, क्या उन्हें पारिश्रमिक मिलेगा, कितने होने चाहिए, कैसे इनका पारिश्रमिक अवकाश ग्रहण होगा, पदमुक्ति होगी, तो इसके बारे में हम जनरल थोड़ी बहुत बातें कर चुके थे। तभी मैंने आपको कहा था कि हमारी ये जो निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में डिफरेंसेस थे ये आपको अच्छे तरीके से याद करने होंगे। ये पहली यूनिट से लेके 5वीं यूनिट तक कंपनी के समापन तक चलेंगे, ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी, आज दोबारा फिर बोल रहा हूं, अगर आपने उन डिफरेंसेस को याद नहीं किया तो उन्हें अच्छे तरीके से आप याद कर लें। तो आज हम बात करते हैं कि संचालक कौन होता है, संचालक कहां होते हैं और किस कंपनी में किस तरीके से इनका पद होता है, तो उसके बारे में बात कर दें कि संचालक से तात्पर्य क्या है। कंपनी के संचालक मंडल में नियुक्त किए गए संचालक से है, और इसका कार्य क्या होता है, एक कंपनी का संचालन करना, जिसकी देखरेख में सभी कर्मचारी प्लस सभी श्रमिक, ठीक है, प्लस सभी अंशधारी कार्य करते हैं। इवन देन जो भी कार्य होता है किसी भी प्रकार का कंपनी में कार्य होता है, चाहे कंपनी में कोई मीटिंग है, ठीक है, चाहे कंपनी में कोई पार्टी है, प्लस चाहे कंपनी में किसी प्रकार का कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम है, चाहे माल की डिलीवरी का काम है, चाहे पेमेंट से संबंधित है, सारा कार्य इनकी देखरेख में होता है संचालक की। और ये एक संचालक होता नहीं है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक निजी कंपनी में 2 संचालक होते हैं और एक सार्वजनिक कंपनी में कितने, 3 संचालक मिनिमम होते हैं। ये तो प्रथम अवस्था में शुरू हो जाते हैं जब आप अपनी फर्म का निर्माण करते हैं तभी, और जैसे जैसे आपको आवश्यकता रहती है वैसे वैसे आप आगे क्या करते रहते हैं, संचालकों की संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। ठीक है, तो एक संचालक इसका यानी कि संचालन करना, इसका काम क्या है, संचालन करना, इसकी देखरेख में सारा कार्य होता है। ठीक है, और एक संचालक जो आपको मैं बता दूं निजी कंपनी में, दोबारा बता रहा हूं, निजी कंपनी में 2 और सार्वजनिक में 3 होने चाहिए। ठीक है, और इनकी संख्या में जो अगर वृद्धि कर दी है तो आप कर सकते हैं, कितनी भी मर्जी कर सकते हैं वृद्धि, कोई सीमा नहीं, इसकी संख्या में वृद्धि करनी तो अधिकतम 15 आप कर सकते हैं, 15 से अधिकतम भी करने हैं तो आपको आगे उसके बाद केंद्रीय सरकार से क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी आप इनकी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। और इसमें पारिश्रमिक अवकाश ग्रहण करना आवश्यक नहीं है, और इसमें 1/3 भाग पारिश्रमिक अवकाश ग्रहण करना आवश्यक होता है। अब बात आती है कि
इनके राइट्स क्या है, लेकिन इनकी छोटी सी मैं आपको संचालक मंडल की इनकी स्थिति के बारे में बताऊंगा, इनकी नियुक्ति के बारे में बताता हूं। लेकिन छोटी सी एक बात करते हैं इसकी परिभाषा की कि संचालक से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जिसे कंपनी के संचालक मंडल में नियुक्त किया जाता है तथा जो कंपनी के कार्यों का निर्देशन, नियमन एवं नियंत्रण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि निर्देशन, नियमन और नियंत्रण, यानी कि इसके दिशा निर्देश में कार्य होता है, उन कार्यों को वो नियमित रूप से करवाता है और अगर कोई गलत कार्य हो रहा है तो उस पर कंट्रोल भी करवाता है, तो नियंत्रण भी करवाता है, कोई इसमें परेशानी नहीं है, ये इसका कार्य है और इसे पारिश्रमिक भी मिलता है इस चीज का, ठीक है ना। लेकिन कैसे मिलता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये तो उसकी परिभाषा है, अब इनकी स्थितियां भी क्या होती है, एक संचालकों की स्थितियां भी होती है कुछ ना कुछ, तो उसके बारे में आज हम नाम नाम बताते हैं, कल आपको बताते हैं कि संचालकों की स्थिति क्या क्या होती है। संचालकों की, देखिए आप अगर कंपनी में संचालक बनने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको अपनी स्थिति पता लगेगी, ठीक है, कि आपकी स्थिति क्या है, फिर आपकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है ना, फिर आपको नियुक्ति करके आपको राइट्स दिए जाएंगे, आपके कुछ कर्तव्य भी होंगे, ठीक है, आपके कुछ दायित्व भी बनेंगे, फिर उसके बाद समय समय पर आपको पारिश्रमिक भी मिलेगा, फिर उसके बाद आपका पद क्या होगा, रिमूव भी होगा, तो पद मुक्ति भी होगी। तो संचालकों की स्थिति क्या रहेगी, संचालकों की स्थिति, तो स्थिति के बारे में, यानी कि पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो एक संचालक सबसे पहले क्या एजेंट के रूप में हो सकता है, इनकी जो स्थितियां होती है एजेंट के रूप में, प्रन्यासी के रूप में, ठीक है, उसके बाद प्रबंध भागीदार के रूप में, प्रबंध भागीदार के रूप में, देन कंपनी के अधिकारी के रूप में, कंपनी के अधिकारी के रूप में, देखिए ये तो आपको स्पष्ट हो गया एजेंट के रूप में, ठीक है। प्रन्यासी हम बोलते हैं किसे, ट्रस्टी के रूप में, ट्रस्टी के रूप में, प्रबंध भागीदार यानी कि मैनेजमेंट के रूप में, ऑफिसर के रूप में, देन उसके बाद एक कर्मचारी के रूप में, कर्मचारी के रूप में यानी कि वर्कर के रूप में, एक आवश्यक अंग के रूप में, आवश्यक अंग के रूप में। तो एक संचालकों की ये छह स्थितियां होती है, तो जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आवश्यक अंग मतलब एक मेन इनिशियल ऑर्गन, इनिशियल ऑर्गन के रूप में। तो ये छह स्थितियां होती है जिसके बारे में हम विस्तार से कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।